नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज अब से 4 दिन दूर रह गई है। जी हां, 4 दिन बाद से भारत और इंग्लैंड के बीच जो घमासान होना है वहां पर लगभग अब भारतीय टीम की तस्वीर क्या होगी ये साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल पहले 2 टेस्ट मैच जो है वो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जाएंगे। दरअसल चेन्नई की विकेट पहले ही स्लो मानी जाती थी, लेकिन पहले फिर भी बल्लेबाजी करना पहले दूसरे और तीसरे दिन आसान होता था। तीसरी और चौथी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब से आईपीएल हुआ है उसके बाद से जो चेन्नई सुपर किंग्स स्लो ट्रैक्स बनवाने लगी थी, उनके पास स्पिनर्स ज्यादा थे तो पिच थोड़ी सी अब स्लो रहने लगी है। हालांकि काफी समय बाद चेन्नई के मैदान पर मुकाबला जो है वो हो रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पिच बिल्कुल पाटा तो बनाई जाए, क्योंकि भारतीय विकेट अमूमन पाटा ही होती है। तीसरे या चौथे दिन फिर गेंद जो है स्पिन लेना शुरू करती है। ऐसे में क्या होगी भारत की प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, उस पर भी बात करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन करके लौटी टीम इंडिया इस वजह से भी असमंजस में है क्योंकि कुछ युवा खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब सीनियर खिलाड़ियों की भी वापसी हो गई है। तो ऐसे में अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो स्पिनर्स का रोल काफी अहम होगा। रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा नहीं है, बहरहाल उस पर बात करेंगे, लेकिन ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बात करते हैं। देखिए, अगर करंट फॉर्म को देखा जाए और करंट प्रदर्शन को देखा जाए तो ये बात तय है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी का आगाज करेंगे। उन्होंने तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में भारत को शानदार तरीके से अच्छी पारी की शुरुआत दिलाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऐसे में शुभमन और रोहित का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं 3 नंबर की बात की जाए तो 3 नंबर पर नई दीवार चेतेश्वर पुजारा ही खेलते हुए नजर आएंगे, ये बात भी तय है। 4 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर पर कप्तान कोहली वापस लौट आए हैं, अपनी पोजीशन पर वो खेलेंगे। 5 नंबर पर उपकप्तान अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आएंगे। 6 नंबर की बात की जाए तो ऐसा लगता है, क्योंकि विराट कोहली अब थिंक टैंक में मौजूद रहेंगे, कप्तान है, हो सकता है कि 6 नंबर पर यहां पर रिद्धिमान साहा को मौका मिले, क्योंकि टर्निंग विकेट है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बल्लेबाजी का एडवांटेज भारत लेना चाहेगी तो यहां पर ऋषभ पंत को नंबर 6 खिलाया जा सकता है। एक बात तो तय है कि पंत और साहा एक साथ नहीं खेलेंगे, तो 6 नंबर पर या तो पंत या साहा में से कोई एक यहां पर खेलता हुआ नजर आ सकता है। 7 नंबर की बात की जाए तो वॉशिंगटन सुंदर नंबर 7 के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। हालांकि अक्षर पटेल भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में मौजूद है, कुलदीप यादव भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर पर दाव लगाएगी टीम। 8 नंबर की बात की जाए तो 8 नंबर पर यहां पर रविचंद्रन अश्विन खेलते नजर आएंगे, ये बात भी लगभग तय है। अब 9, 10 और 11 ये 3 पर कौन खेलेगा? 10 और 11 ईशांत शर्मा की वापसी हो चुकी है, जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे ही आएंगे, यानी कि 2 पेसर तो भारत खिलाएगा ही खिलाएगा। 9 नंबर पर या तो मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे, क्योंकि वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा आगे है इस रेस में। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव को भी भारत खिला सकती है अगर चेन्नई के मैदान को देखा जाए। हालांकि पिच देखकर ही भारतीय टीम जो है कुछ डिसीजन लेगी, लेकिन अमूमन टर्निंग ट्रैक्स के लिहाज से देखा जाए तो भारत 3 स्पिनर और 2 पेसर्स के साथ उतर सकता है, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को हो सकता है कि बाहर बैठना पड़े। लेकिन करंट फॉर्म वॉशिंगटन सुंदर की काफी अच्छी है, ऐसे में लगता है कि सुंदर, अश्विन और यहां पर खेल सकते हैं कुलदीप यादव यानी कि मोहम्मद सिराज। अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा सिराज ने प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया में, काफी शानदार तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी। तो ये एक प्लेइंग 11 भारत की लगभग साफ नजर आ रही है, जो आकाश चोपड़ा ने भी बताई थी। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि भारत अगर यहां पर इस सीरीज को जीत जाता है तो वो सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा सवाल जो लग रहा था कि भाई भारतीय टीम किस तरीके से अपनी टीम को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमें बड़े बड़े नाम मिल गए हैं और भारत की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होगी ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो जिस तरीके से भारत ने 2-1 से कंगारुओं को उन्हीं की सरजमी पर कुचला था, उस लिहाज से तो इंग्लैंड की टीम जो है उसके अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म के साथ इस सीरीज में उतर रही है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है प्लेइंग 11 को लेकर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।